हाँ तो बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हमारे पास जो दो इक्वेशन दी गई हैं, एनसीईआरटी पेज नंबर 53 एनसीईआरटी का पेज नंबर है 53। x plus y is equal to 14, x minus y is equal to 4। सेम, सबसे पहले हम डालेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या डाला? सॉल्यूशन। वही लेट x plus y is equal to 14, x minus y is equal to 4। What we get? We get equation first, then equation second. अब last सम में मैंने ये बोला था कि हम दोनों equation में से वो equation पहले लेंगे जिसमें x या फिर y अकेला हो। ऐसा कोई पर्टिकुलर नियम नहीं है कि हम वही टर्म लें, इजी पड़ता है। ऑलवेज हम इजी रास्ते देखते हैं किसी भी सम को सॉल्व करने के लिए। अब इसमें दोनों में ही एक्स वाई अकेला है तो क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे, कोई सी भी इक्वेशन पहले ले सकते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड, एज यू विश। तो हम इसमें लेंगे इक्वेशन सेकंड, देन टेकिंग इक्वेशन सेकंड। आप चाहे तो इक्वेशन फर्स्ट भी ले सकते हैं। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू फोर, देन एक्स इज इक्वल टू फोर प्लस वाई। ये हमें मिल गई इक्वेशन नंबर थर्ड। कौन सी इक्वेशन मिल गई? थर्ड। ये हमें मिल गई इक्वेशन नंबर थर्ड। तो इस इक्वेशन नंबर थर्ड को हम पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट में पुट क्यों करेंगे? क्योंकि हमने इसको इक्वेशन सेकंड से लिया है। अगर हम इक्वेशन सेकंड से लेके ही सेकंड में पुट कर देंगे तो हमारा आंसर नहीं निकलेगा, आई थिंक हमारा आंसर जीरो आएगा। देन पुटिंग एक्स इज इक्वल टू फोर प्लस वाई इन इक्वेशन फर्स्ट, एक्स की जगह पे 4 प्लस वाई रखना है इक्वेशन फर्स्ट में। एक्स की जगह पे 4 प्लस वाई रखना है इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14, देन एक्स की जगह पे हम रखेंगे 4 प्लस वाई। Then, ये वाला y इज इक्वल टू 14, वही लाइक टर्म्स इधर ही छोड़ दिए, अनलाइक टर्म्स एक तरफ ले गए। y प्लस वाई देन 14, और ये 4 इस साइड आ गया, माइनस का 4, 1y 2y, 14 माइनस 4 10, देन y इधर ही छोड़ा, ये आ गया 10/2, देन काटने पे आ गया 5y is equal to 5। अब ये y इज इक्वल टू 5 हम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड कहीं भी रख सकते हैं। तो हम नॉर्मली इसको इक्वेशन थर्ड में रखेंगे, पुटिंग y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या है हमारी? x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, देन x की जगह पे x, 4 की जगह पे 4, प्लस y की जगह पे आ गया 5, देन x इज इक्वल टू 9। एनी डाउट? नहीं होना चाहिए।
ओके, नोट कर लीजिए इसको।